रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक गुरुवार को शाखा अध्यक्ष प्रदीप कुमार नायक की अध्यक्षता में रेलवे बस स्टैंड पर संपन्न हुआ, जिसके संबंध में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय प्रतिनिधि जयप्रकाश दुबे ने बताया कि 10 दिसंबर को होने वाली रैली तथा धरना को सफल बनाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को 5 सूत्रीय मांग पत्र क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम को राजकीय रोडवेज घोषित किया जाए तथा महंगाई भत्ता 28% देय तिथि से लागू किया जाए तथा संविदा चालकों को नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी मांगों को जल्द से जल्द सरकार व निगम प्रबंधन कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण करें। इस अवसर पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा मंत्री अजय कुमार, कैलाश प्रसाद, ज्ञानेंद्र शुक्ला, आदर्श कुमार यादव, मनोज दुबे, राकेश कुमार, नीलम यादव, अजय कुमार, उपेंद्र कुमार, अमर कुमार गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय प्रतिनिधि जयप्रकाश दुबे ने कहा, एक बार आप तो मंत्र जाप करिए, रतन पंचायत जिंदाबाद, रतन पंचायत जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो एक लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है, अब एक रहेंगे, रतन पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद, रतन पंचायत जिंदाबाद। मैं जयप्रकाश दुबे, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का प्रांतीय प्रतिनिधि। आज का कार्यक्रम कल दिनांक 10/12/2021 को रैली निकाल करके और क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए जन जागरण किया जा रहा है। हमारी 5 सूत्री मांग पत्र है जो केंद्रीय प्रबंध समिति ने सरकार को और निगम प्रबंधन को दिया है, जिसमें हमारी मांगें हैं कि इस राज्य कर्मचारी को 28% डीए मिल रहा है, हमें 7% डीए मिल रहा है, हमें भी 28% डीए मिलना चाहिए। क्योंकि जब 1 जून 1972 को परिवहन निगम में राजकीय रोडवेज को कन्वर्ट किया गया था तो उस समय बताया गया था, उस समय गजट हुआ था कि रोडवेज कर्मचारियों की सेवाएं राज्य कर्मचारियों से है नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त हमारी मांगें हैं कि संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए, आउटसोर्स कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन दिया जाए, परिवहन निगम के बस बेड़े में 3000 नई बसें दिलाई जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम जन जागरण कर रहे हैं। कल इसी बस अड्डे से 10 बजे 11 बजे रैली निकलेगी, जो क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर जा करके क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से वहां आम सभा करके ज्ञापन पास किया जाएगा और वो ज्ञापन प्रबंध निदेशक महोदय के साथ के माध्यम प्रबंध निदेशक महोदय को और हमारे जितने भी आला राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं लोग हैं उनको ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा।